ओम यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 16। ओम अग्ने आयुंसि पवस आसुव ऊर्जम इसम चना आरे बादस्व दोच्छुनाम। अग्ने संबोधन है, हे अग्नि, हे अग्नि अग्रणी प्रगतशील परमेश्वर। अग्नि में अग्धातु है, बहुधा, बहुत बार हम लोगों ने चर्चा की है, अग्रणी होना, गति करना। हे अग्ने, हे अग्नि, आयुंस, आयु को बहुवचन में है, हम सब की आयु को पवस्सु पवित्र करो, हम सब की जो आयु है, जो भी जीवन है, उसे पवित्र करो, हमारा जीवन पवित्र हो। देखिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे आयु को, हमारे जीवन को पवित्र करो, हमारे संपूर्ण जीवन को पवित्र करो, ये प्रार्थना कर रहे हैं। हमने बहुधा कहा है, ये वेद की शैली है, हम ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे प्रेरणा यही होती है कि हमें ऐसा करना है। हमने कह दिया, भाई हे अग्नि, हमारे आयु को पवित्र करो, तो अब ये दायित्व उसका है, हमें तो कुछ करना नहीं है, वो करेगा पवित्र? नहीं, वो नहीं करेगा। भाव यही है कि हमारे अंदर ये भावना हो कि हमारा जीवन पवित्र हो, हमारी संपूर्ण आयु पवित्रता के साथ व्यतीत हो, ये हमारी भावना है, हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन को पवित्र बनाए रखो, प्रयास तो हम ही करेंगे, अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, ईश्वर की कृपा रहे, सहयोग रहे, उसकी करुणा, उसकी कृपा से हम अपने इस उद्देश्य में सफल होंगे, ये भावना होती है। अग्नि आयुंसि पवस, हे अग्नि, हमारे आयु को पवित्र करो। आशुभ, आ उपसर्ग है, सम्यक समन्तात् शुभ उत्पन्न करो, सुधातु का अर्थ उत्पन्न करना, सृजन करना। आशुभ उत्पन्न करो, क्या ऊर्जम, ऊर्जा को उत्पन्न करो, हमारे जीवन में ऊर्जा भी होनी चाहिए, केवल पवित्रता नहीं। आग्ने आयुंस पवस्सु, हमारे जीवन को पवित्र तो करो, लेकिन केवल पवित्र होने से तो कुछ भला नहीं होने वाला, तो क्या करो, आसु उत्पन्न करो, ऊर्जम, ऊर्जा को उत्पन्न करो, इसम, इस अर्थात गति को उत्पन्न करो, इस धातु का अर्थ गति भी है और इच्छा भी, गति को उत्पन्न करो, इच्छा को उत्पन्न करो, सब इच्छाएं जीवन में होनी चाहिए, भी इच्छा है, घर घर वेद, जन जन वेद, आप सबको वेद से हम जोड़ रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी दूसरों को वेद से जोड़े, हम सब मिल करके पूरे समाज को वेद से जोड़े, ये इच्छा है हमारी, होनी चाहिए। इच्छाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको उचित अच्छी दिशा दी जा सकती, अच्छी इच्छाएं हो तो हमारे लिए भी अच्छा और समाज के लिए भी अच्छा। तो इसका अर्थ इच्छा और गति दोनों है, इसम, आशुभ ऊर्जम इसम चना, क्या और नह, हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे लिए ऊर्जम इसम चा, ऊर्जा को और इच्छा को, गति को, प्रगति को आशुभ उत्पन्न करो, हे अग्नि, हमारे आयु को पवित्र करो और हमारे लिए ऊर्जा को, इच्छा को, गति को, प्रगति को उत्पन्न करो, सृजन करो, और क्या करो, आरे बाधस्व दुच्छुना, आरे अर्थात दूर ही, इनको तो दूर ही रखो, किनको दूर रखना है, बाधस्व बाधित कर दो, स्पष्ट है, बाधा, बाधस्व बाधित करो, दुच्छुनाम,
ये जो दुष्ट लोग हैं। दू धातु का अर्थ भी वही है, दुख होना, तप्त करना, जलने जलाना, दू धातु का अर्थ है, और दुष धातु भी है, उसी से दुष्ट बनता है, दूषित बनता है। तो इसमें दू धातु मान ले, दुष मान ले, चलेगा, अर्थ एक ही है। दुच्छ नाम अर्थात दुष्टों, जो दुष्ट हैं, जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण हैं, उनको तो दूर ही बाधित कर दो, हमारे आसपास भी ना आने पाए। इस छोटे से मंत्र में, तीन चरणों में, सूत्र रूप में, सूक्त के रूप में तीन अच्छी बातें हमको बता दी गई। बिल्कुल सीधे सीधे सूक्त ही है। अग्नि आयुन से पवस, हे अग्नि हमारे आयु को पवित्र करो, हमारा जीवन पवित्र हो। अशुभ ऊर्जम इसम जना, और हमारे लिए ऊर्जा को, गति प्रगति को और इच्छा को अशुभ उत्पन्न करो। और तीसरा आरे बाधस्व दुच्छनाम, जो दुर्गुण है, बुराइयां हैं, दुष्टता है, उसे दूर ही बाधित कर दो, वो हमारे आसपास न आने पाए। ये उत्तम प्रार्थना, उत्तम कामना इस मंत्र में व्यक्त की गई। ये छोटा सा, कितना सरल और कितना महत्वपूर्ण मंत्र आज हम लोगों ने पढ़ा। अब आप लोग जो भी विचार प्रश्न आगे रखना चाहें, तो जो भी समय है उसका सदुपयोग हम लोग कर सकते हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, क्या ये गायत्री मंत्र है? इसमें कितने हुए पता चल जाएगा। जी स्वामी जी, गायत्री हुए कोई बात नहीं, तो स्पष्ट दिख रहा है, दूर से दिख रहा है। तो हमारे कहने का आशय यही था कि इस प्रकार के प्रश्न की स्थिति ही नहीं आती है, तो बिल्कुल स्पष्ट दूर से दिख रहा है, गायत्री है, आठ आठ वर्णों के तीन चरण स्पष्ट हैं। जी स्वामी जी, क्षमा कर दीजिए जी, ठीक है, तो स्पष्ट रूप से है। हाँ, ये छंदों के विषय में कुछ नए लोग यदि ना उसना हुआ तो ये समझ लें कि एक दो वर्ण कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, वो वही समझ लीजिए कि संहिता पाठ, सरल पाठ, पद पाठ, किसी ने उसको संधि जोड़ दी, किसी ने विच्छेद कर दिया, तो एक दो वर्ण इधर उधर हो जाते हैं, तो वो मान लिया गया है, छंद वही रहेगा, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि इससे अधिक हो जाए तो ऐसा भी नहीं है कि वर्ण कितने भी हो जाए बोले रहेगा तो अब ये गायत्री ही, ऐसा भी नहीं है भाई, एक वर्ण तो चलेगा, दूसरा हो तो विचार करें, तीसरा नहीं चलेगा, क्योंकि चार वर्ण पर तो नया छंद हो ही जाता है। तो यह तीन वर्ण अधिक हो गए, मान लीजिए गायत्री में 24 के 27 हो गए, तो फिर वो गायत्री नहीं हो सकता। 24 के 25 तक गायत्री हो सकता है, बहुत सरलता से गायत्री ही कहा जाएगा बिना किसी भ्रम के। 24 के 25 है तो गायत्री ही है, उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। 26 है तो देख ले गायत्री हो सकता है, या कह सकते हैं इसमें विद्वानों में मतभेद हो सकता है। 27 है फिर कोई मतभेद नहीं है, वो उसने ही होगा, क्योंकि 28 वर्णों का उसने छंद होता है, तो 27 है अर्थात 28 में एक न्यून है, तो उसने ही माना जाएगा, क्योंकि अब एक वर्ण न्यून हो या अधिक हो वो तो माना ही जाता है। ये बिल्कुल अकाट सिद्धांत है कि एक वर्ण न्यूनाधिक पर छंद का नाम वो रहता है, परिवर्तित नहीं होता। एक न्यून है तो भी वही माना जाएगा, एक अधिक है तो भी वही माना जाएगा। ओम। आचार्य जी नमस्ते। ये जहां जहां अग्नि का प्रयोग हुआ है, जैसे अग्नि आयुष पवसा या अग्नि नय सुपता, तो अग्नि का भाव
हे स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, मतलब अग्नि को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी, तो थोड़ा सा स्पष्ट करें हम अग्नि के बारे में कि अग्नि क्या ईश्वर का ही स्वरूप है या उसको ईश्वर माना गया है, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए वेद में परमेश्वर को अनेक नामों से कहा गया है और अग्नि नाम सर्वाधिक आया है, उसे यूं कहना चाहिए। वेद में सर्वाधिक छंद गायत्री हैं और परमेश्वर का सर्व प्रमुख नाम अग्नि है। अग्नि शब्द अग धातु से बनता है, इसी अग धातु से अग्रणी बनता है, तो समझ ले अग्नि शब्द का अर्थ अग्रणी हो गया। और अग धातु का मुख्य अर्थ गति करना है, तो अग्नि शब्द का अर्थ गतिशील प्रगतिशील हो गया, तो हम लोग अग्नि शब्द का अर्थ करते हैं हे अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर। तो यूं कहें अग्नि शब्द का अर्थ परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के लिए अग्नि शब्द का भी प्रयोग होता है। परमेश्वर के अनेक नामों में एक प्रमुख नाम अग्नि है। वेद में सर्वाधिक प्रमुख नामों से जिससे परमेश्वर को जाना गया है उनमें अग्नि है, अग्नि प्रमुख नामों में एक है, ऐसा हम माने। सबसे प्रमुख नाम तो ओम है जो सभी मंत्रों में हम बोलते हैं, उसके अतिरिक्त अग्नि इंद्र ब्रह्म ये नाम लगता है कि वेद में ये परमेश्वर के लिए सर्वाधिक प्रमुखता से प्रयोग हुए हैं। वैसे तो बहुत से नाम है, हम आप सभी जानते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आया बाधस्व, मतलब इसे बाधाओं को दूर करने के लिए या बाधाओं को ताड़न करने, दमन करने के आशय में भी है क्या? देखिए बाधस्व का अर्थ हो गया बाधित करो, पठस्व पढ़ो। ये जो प्रत्यय लगा, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आख्यातिक विभक्त प्रत्यय है और इसका यही अर्थ हो गया बाधित करो। आरे बाधस्व, इसे दूर ही बाधित कर दो, जहां ये दूर है वहीं उसे बाधित कर दो, हम तक ना आने पावे। ठीक, बाधा को दूर नहीं कर रहे हैं, दूर ही उसे बाधित कर दे रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। और आज आपकी पुस्तक पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आया आपके साथ, तो लकारें भी बड़ी सरलता से समझ में आ गई। तो अब मुझे ये बात समझ में आई कि लोग आपका विरोध जो कर रहे थे उसका कारण यही है कि इतना सरलतम कर दिया आपने, तो उनकी जो व्याकरण की सारी धज्जियां उड़ी जा रही। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि व्याकरण की धज्जियां उड़ी जा रही हैं। व्याकरण का सरलीकरण हो गया तो लोग सरलता से व्याकरण को सीख जाएंगे, ये तो व्याकरण के लिए अच्छा ही हो रहा है। इसमें कहीं व्याकरण को नकारने का तो उद्देश्य है नहीं, व्याकरण को सरलता से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है ये। स्वामी जी व्याकरण करें उनके व्याकरण का, क्योंकि उन्होंने अपने पास जो भी व्याकरण की धारणा मान्यता बना के रखी है, पढ़ के रखा है, उसको लगातार उसमें डिग्रियां ली है, तो उसकी उनकी धज्जियां उड़ रही, जैसे पंडित लोग रोकते हैं ना व्याकरण पढ़ने के लिए, उसी तरह से ये उनका कर्म है। हाँ, ये माना जाता है कि इसी तरह से वेद का प्रचार रोका गया, वेद लोग ना पढ़ पाए, उसको इतना बांध दिया गया जिससे लोग वेद ना पढ़ें, वही स्थिति संस्कृत व्याकरण की बना दी गई। इतना उसे जटिल क्लिष्ट बना दिया गया कि लोग उस डर से भाग जाएं। एक तो यही है कि तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियां ना पढ़ें, शूद्र ना पढ़ें, तो वैसे ही सीमित हो गया। अब जो बचे उनमें से कोई साहस करे भी तो उसको इतना क्लिष्ट बना दिया गया कि वो भी भाग जाए। तो इसके लिए जो चाहे कह ले, जिनका भी षड्यंत्र था
लोगों ने प्रयास किया, बहुत कुछ हुआ भी, और अब हम आप प्रयास करें कि वो फिर से सरल हो जाए, अधिक से अधिक लोग उसे सीख सकें, ये प्रयास हमारा आपका होना ही चाहिए। ओम। स्वामी जी, मुझको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने संस्कृत लगभग पूरी कंप्लीट कर ली, पढ़ना आने लगा मुझको। यही तो हमने आपसे कहा कि आज एक प्रकार से मुख्य व्याकरण तो आपकी पूरी हो गई। नमो नमः स्वामी जी महाराज। यू समझिए 70-80 के दशक में जब हम विद्यार्थी थे, ये प्रक्रिया हम तब से चला रहे हैं। कोई पुस्तक नहीं होती थी और ये पुस्तक सरल संस्कृत व्याकरण छपने तक स्थिति यही थी कि हम न्यूलाइट इन जनरल इंग्लिश से संस्कृत पढ़ाते थे। संस्कृत की कोई व्याकरण की पुस्तक ऐसी उपलब्ध नहीं थी जिससे हम संस्कृत पढ़ा सके। अंग्रेजी की व्याकरण पुस्तक रख करके हम संस्कृत पढ़ाते थे, ये स्थिति थी। क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने के तरीका उनका आधुनिक ठीक ठाक था, तो उसी के आधार पर हम लोगों ने अपना ये विकसित कर लिया। और उस समय लोग मिले, हम लोगों ने उस समय कहा था 6 घंटे में संस्कृत सिखाएंगे, 6 दिन में संस्कृत की बात की गई। फिर कहा गया कि मतलब 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ाएंगे तो 6 दिन लगे। बोले कई दिन 6 दिन, 6 घंटे क्यों ना कर लिए जाए, 3-3 घंटे के 2 सत्र एक दिन में ही 6 घंटे पूरे पढ़ा दिए जाए, तो 1 दिन में संस्कृत पढ़ाने की प्रक्रिया आई। कुछ मिले आज बोले वो 6 वर्ष तो कम से कम संस्कृत व्याकरण पढ़ी ही जाती है। हमने 6 महीने हम जिसको पढ़ा देंगे वो हमारे पास पढ़ने नहीं आएगा, दूसरों को पढ़ाएगा। इतनी संस्कृत हमको नहीं आती कि हम किसी को 6 महीने व्याकरण पढ़ाएं। हम जिसको 6 महीने हमारे पास जो रह जाएगा वो फिर पढ़ेगा नहीं, वो दूसरों को पढ़ाएगा। हमारे पास इससे ज्यादा सामग्री है ही नहीं, हम इससे अधिक लोगों को पढ़ा ही नहीं सकते, हमें इससे अधिक स्वयं ही नहीं आता। तो हम लोगों की प्रक्रिया ऐसी है, थोड़े समय में सबको सीख लो, सिखा लो, उसके बाद जाकर के दूसरों को सिखाओ, जीवन भर स्वयं न पढ़ते रहो। जी जी किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा फिर आज के सत्र का समापन किया जाए। तो ठीक है, फिर आज के इस सत्र का समापन करते हैं। कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।